हिमाचल प्रदेश जिला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान कुल्लू और निजी शिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षु अध्यापकों द्वारा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों द्वारा कक्षाओं का बहिष्कार किया गया। इसमें छात्रों द्वारा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के जीबीटी बनाम बीएड केस पर आए फैसले पर नाराजगी व्यक्त की गई है। यूनियन के उपाध्यक्ष राज ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 40,000 जीबीटी बेरोजगार हैं, जो 15-15 सालों से नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जीबीटी बेरोजगार संघ सरकार से निवेदन करता है कि इस फैसले पर उचित कदम उठाया जाए और जीबीटी की जगह जीबीटी की ही नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए 40,000 बेरोजगार जीबीटी और उनका परिवार सदैव सरकार का ऋणी रहेगा। नमस्कार, मैं हितेश्वर हूँ, डीएलएड सेकंड ईयर राइट कुल्लू से। और जो आज हमने यहाँ पे क्लासेस का बाइकआउट किया था, वो हमने इसलिए किया क्योंकि 26/11 को जो फैसला सुना है हाईकोर्ट शिमला ने, वो बिल्कुल भी हमारे साथ नहीं था। न्याय व्यवस्था से हमारा विश्वास उठ गया है। अगर हम मानते हैं इस बात को कि अगर बीएड वाले प्राइमरी में पढ़ा सकते हैं तो ठीक है, अगर वो पढ़ा सकते हैं तो उनको ये 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना क्यों ज़रूरी है? इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है। इसलिए जो जिस चीज़ के लिए बना है उसको वही मिले तो बेहतर होगा। हम जब तक सरकार हमारे बारे में कुछ नहीं सोचती, हम तब तक ये बायकॉट करते रहेंगे। हो सकता है आगे हम इससे बड़ा भी आंदोलन करें, क्योंकि हम जीबीटी यूनियन सारे संगठित हो चुके हैं, अब हम आवाज़ अपनी नहीं दबने दें। मैं तुषार ठाकुर जीबीटी फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ, और हम सभी जो क्लासेस का बॉयकॉट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने जो 26 नवंबर को जो ये फैसला दिया है हाईकोर्ट द्वारा, बहुत ही अर्थहीन और न्याय संगत नहीं है। इससे हमारा भविष्य जो है अंधकारमय हो चुका है। जीबीटी करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि वो अपने इस फैसले में कुछ परिवर्तन करे और सरकार हमारा साथ दे, क्योंकि ये सच ठीक नहीं है और हम सभी जीबीटी प्रशिक्षुओं का शोषण हो रहा है। हम चाहते हैं सरकार हमारा साथ दे, हमारे लिए कुछ सोचे ताकि हमारा भविष्य प्रकाशमय हो। श्री चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।